ये फूल टाइप में है, इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर जो राजा थे वो हिंदू राजा थे, और इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं कितनी गजब की नक्काशी की गई है इस दरवाजे की। सोचिए उस टाइम पर कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, फिर भी लोगों ने कितनी गजब की नक्काशी की हुई है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये पत्ते हैं, ये पत्ते टाइप का बना हुआ है, ये किसी फूल का आकार है, फूल आकार में लग रहा है। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम इस समय मौजूद हैं राजस्थान के करौली जिले में। अभी हम भनकपुरा किले में मौजूद हैं। इस किले में टोटल 7 दरवाजे हैं। तो दोस्तों आइए आपको हम इस किले के बारे में शुरुआत से दिखाते और बताते हैं। आइए, यहाँ से मेन दरवाजा है, यहाँ से एंट्री करने के बाद हम आपको किले के अंदर प्रवेश करवाते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम एक पगडंडी जैसा दिख रहा है, जो मेन किले के 7 दरवाजे हैं यहीं पे पड़ते थे, अभी वो जर्जर अवस्था में है। तो आइए हम आपको इस किले के अंदर प्रवेश करवाते हैं और दिखाते हैं यहाँ का दृश्य कि कितना अच्छा यह किला बनाया गया था, लेकिन अभी कितनी जर्जर अवस्था में यह किला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ पे। उसके आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं, कुछ आगे चलने के बाद देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कितनी झाड़ियाँ हैं और ये कितनी जर्जर अवस्था में किला आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ जाना खतरे से खाली भी नहीं होगा दोस्तों। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखना है दोस्तों, तो वीडियो को अभी क्विट करके आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये भद्रकाली जी का मंदिर है और यहाँ पर एक बावड़ी भी बनाया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम आपको किले के अंदर प्रवेश करवाते हैं और ये किले के भाग दिखाते हैं कि ये किले की मुख्य दीवारें हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं किले की दीवार हैं, इस पे अभी झाड़ियाँ उग गई हैं और यहाँ ये दीवाने आम है, यहाँ पर दरबार लगा करता था और यहाँ भी झाड़ियाँ चारों तरफ से उग गई हैं। आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको बारीकी से दिखाएंगे। ये मत सोचना कि हम ऐसे ही बता रहे हैं, आपको बारीकी से यहाँ दिखाएंगे और समझाएंगे भी। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी वीडियो देख के तभी जाना बाहर। तो आइए हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। यहाँ देखिए दो तितलियाँ उड़ रही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमको किले का ये भाग दिखता है, जहाँ पर कुछ कमरे नुमा बनाया गया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये देखिए, ये किले की मेन दीवारें हैं के ऊपरी भाग में आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, ये किले की मेन दीवारें हैं यहाँ पर। आइए हम आगे आपको बढ़ाते हैं, आगे दिखाते हैं आपको और कुछ। ये किले की छत है, यहाँ पर ये भी इस किले का एक ऊपरी भाग है। यहाँ पर एक कमरे नुमा निर्माण कराया गया है। ये जो आप दरवाजे का देख रहे हैं दृश्य, ये देखिए आप, जिसे हम सा चौखट हिंदी में बोलते हैं, ये पत्थर का निर्माण कराया गया। और ये पत्थर जो है ये उस जमाने का पत्थर है जब राजा मानसिंह यहाँ रहा करते थे, कभी आया करते थे, और ये पत्थर की है, ये बलुआ पत्थर से बनाया गया है। आगे हम आपको और दिखाते हैं, यहाँ पर जंगला टाइप में दिया गया है, यहाँ लोग रहते थे और यहाँ से ऊपर सीढ़ी जाने के लिए रास्ता दिया गया है। यहाँ पर सीढ़ियों से लोग ऊपर जाते थे, हम थोड़ा देखते हैं ऊपर ऊपर क्या है सीढ़ियों से। ये भी किले का, ये किला 3 फ्लोर में था पहले, जिसमें से अभी 2 फ्लोर ढह गए हैं, बहुत बुरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। ये किले का तीसरा भाग है, तीसरे फ्लोर पे अभी हम हैं। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ये किले का दूसरा भाग है, दूसरा फ्लोर जिसे हम कहते हैं, और वो जो है वो दीवाने आम का है, वहां पर दीवाने आम लगती थी। देख सकते हैं ये किला कितनी जर्जर स्थिति में है। आइए हम थोड़ा सा आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर ये किले का तीसरा फ्लोर है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्माण कराया गया है, इस किले का कराया गया था। और ये कितनी जर्जर स्थिति में है ये भी आप देख सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा और आगे ले सकते हैं, ये
लास्ट पहलू है, करीब आए। यहाँ पर कुछ फूल का निर्माण किया गया है, ये फूल टाइप में है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर जो राजा थे वो हिंदू राजा थे। और इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं, गजब की नक्काशी की गई है इस दरवाजे की। सोचिए उस टाइम पर कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, फिर भी लोगों ने कितनी गजब की नक्काशी की हुई है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये पत्ते हैं, ये पत्ते टाइप का बना हुआ है, ये किसी फूल का आकार है, फूल आकार में लग रहा है। ये सब पत्थर से निर्माण कराया गया है। ये आप मेन एंट्रेंस देख रहे हैं, यहाँ पर जो है एक चीज बारीकी दिखाएंगे, यहाँ एक कड़ी है। इस कड़ी में ऐसा लगता है कि जैसे उजाला करने के लिए मसाल टांगी जाती थी, या इत्यादि कुछ और टांगने या बांधने की जगह दी गई है। क्योंकि ये कड़ी बाद की तो लगाई गई है नहीं, ये कड़ी उसी जमाने की लगी हुई है। ये कौन सा पत्थर रहा होगा, ये कौन सा लोहा रहा होगा कि आज तक उसी अवस्था में ये पड़ा हुआ है। किला जबकि इतनी जर्जर स्थिति में हो चुका है, फिर भी आप देख सकते हैं ये किले का भाग है। और उधर आप देख सकते हैं वो भी जर्जर स्थिति में पूरा किला है, आपको दिख रहा होगा। ये जो दिख रहा है यहाँ पर, हमको ऐसा लगता है देखने पे मालूम होता है कि यहाँ पर जो थे राजा मानसिंह स्वयं आकर के यहीं से देखा करते थे। और वो जो भाग है वहाँ पर सैनिक पहरा देते थे, वहाँ पर भी सैनिक पहरा देते थे। और वो किले का मेन बुर्ज है। ये हैं भैया हमारी। डर लग रहा है यार इतना ऊपर आने के बाद। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो सके। और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, इतनी मेहनत से जा करके वीडियो बनाते हैं। ये भी एक कमरा है, ये रहने का स्थान है। यहाँ पर लोग रहा करते थे उस टाइम पर पे।
अभी ये कितनी जर्जर स्थिति में आपको दिख रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये किले की दीवार है, मेन दीवार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये किले का एक अस्थाई भाग है, यहाँ पर भी सैनिकों का पहरा हुआ करता था। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये दीवारें दिख रही होंगी आपको, यहाँ पर भी सैनिकों का पहरा हुआ करता था कभी। आज कितनी जर्जर अवस्था में यह किला आपको दिखाई दे रहा है।